नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा विभागों को नवाचार, नवीकरण और रूपांतरण के लिए निष्पादन पुरस्कार प्रदान। शॉप फाउंडर्स विभाग के कर्मचारियों के लिए सृजनी मेला आयोजित। और राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा पेशेवर अध्ययन के लिए 5.4 लाख रुपए का वित्तीय सहायता प्रदान। अब समाचार विस्तार से। गोपबंधु ऑडिटोरियम में हाल ही में आयोजित राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी की वार्षिक निष्पादन समीक्षा एवं पुरस्कार वितरण समारोह में आरएसपी के कार्यपद निदेशक परियोजना श्री राजीव अग्रवाल ने विभिन्न विभागों द्वारा संशोधन एवं नवाचार के माध्यम से कंपनी के उत्पादन, उत्पादकता एवं बचत के लिए किए गए विशिष्ट कार्यों में उल्लेखनीय योगदान स्वरूप निष्पादन पुरस्कार प्रदान किया। हैवी मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल को एक प्रमुख एजेंसी के रूप में और विद्युत वितरण और जल प्रबंधन विभाग को संबद्ध एजेंसी के रूप में पुराने नियंत्रण प्रणाली को बदलकर तरकेरा पंप हाउस के ओवरहेड क्रेन के पुनर्स्थापन और विश्वसनीयता के सुधार के लिए सम्मानित किया गया। इसी प्रकार हॉल स्ट्रिप मिल को प्रमुख एजेंसी के रूप में और HME, WMD एवं RSM को संबंध एजेंसी के रूप में फिनिशिंग मिल में रोलिंग के दौरान आवश्यक प्रेशर के साथ लगातार जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सम्मानित किया गया। हॉल स्ट्रिप मिल को कॉलर गाइड वियर प्लेट पर कैम्बर बार को स्टफ अप कर केबल को निकालने हेतु एक अन्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस प्रयास में डिजाइन विभाग और स्ट्रक्चरल एवं फैब्रिकेशन शॉप इसके संबंध विभाग थे। नई प्लेट मिल ने प्रमुख एजेंसी के रूप में 2 पुरस्कार प्राप्त किया। पहला पुरस्कार डिवाइडिंग शीयर के लिए चौड़ाई के समायोजन में अभिनव संशोधन के लिए दिया गया, जिसमें परियोजना विभाग इसकी संबद्ध एजेंसी थी। दूसरा पुरस्कार JKV स्क्रैप पिट के रूपांतरण के लिए दिया गया। सिविल इंजीनियरिंग सेवाएं विभाग इसकी संबद्ध एजेंसी थी। ऑक्सीजन प्लांट को प्रमुख एजेंसी के रूप में और इंस्ट्रूमेंटेशन इसकी संबंध एजेंसी के रूप में ASU-3 के दोनों नाइट्रोजन कंप्रेसर को साथ साथ चलाने के लिए सम्मानित किया गया। कार्मिक विभाग को प्रमुख एजेंसी के रूप में और HRD को इसके संबंध के रूप में और HRD को इसके संबंध एजेंसी के रूप में विभिन्न विभागों के समूह प्रयासों के माध्यम से कार्यान्वित अभिनव कार्यों को बांटने की एक पहल परियोजना दक्ष के लिए पुरस्कृत किया गया। पाइप प्लांट को प्रमुख एजेंसी के रूप में पॉलिस्टर प्रबलित एंटी कोरोसिव कॉल टार रेपिंग के साथ SW पाइपों की व्यावसायिक आपूर्ति की सुविधा विकसित करने हेतु पुरस्कृत किया गया। उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण केंद्रीय विपणन संगठन एवं कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी इसकी संबंध एजेंसी थी। RCM को एक प्रमुख एजेंसी के रूप में डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिकल सेवा तथा स्ट्रक्चरल एंड फैब्रिकेशन इसकी संबंध एजेंसी के रूप में हॉट मेटल रेलवे ब्रिज WB-1 की क्षमता 250 टन से 800 टन तक बढ़ाने हेतु पुरस्कृत किया गया। अनुसंधान एवं नियंत्रण प्रयोगशाला को एक प्रमुख एजेंसी के रूप में पाइप बनाने के लिए API-5L-70PSL-2 जैसे विशिष्ट स्टील और चेनाब ब्रिज के लिए IS-2062-410C एवं 250C जैसे हाई टेंसिल ग्रेड के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया गया। स्टील मेल्टिंग शॉप 2 नई प्लेट मिल एवं PPC इसकी संबंध एजेंसी थी। हाल ही में शॉप फाउंडर्स विभाग के कर्मचारियों के लिए आमने सामने कार्य क्षेत्र से संबंधित उनके सुझावों के माध्यम से सृजनशील विचारों और प्रतिभाओं को उजागर करने हेतु एक सृजनी मेला आयोजित किया गया। उप महाप्रबंधक शॉप फाउंड्री श्री SK जैन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक श्री SD नायक, उप महाप्रबंधक श्री SC साबत, वरिष्ठ प्रबंधक कामिक श्री B मल्लिक, IED के प्रबंधक श्री B के बेहरा तथा विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित
उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री जैन ने इस योजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी से विभाग के साथ साथ प्लांट में सुधार हेतु कई सुझावों के माध्यम से सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रत्येक सुझावकर्ताओं को दिए गए सुझावों के लिए प्रतीक उभार प्रदान किया गया। समारोह के दौरान करीब 100 सुझाव प्राप्त किए गए। IED के प्रबंधक श्री बी के बेहरा ने सामान्य रूप से RSP एवं विशेष रूप से विभाग में सृजनी सृजनशील योजना की स्थिति पर सब विस्तार से चर्चा की। प्रारंभ में सहायक प्रबंधक शॉप फाउंडर्स मैकेनिकल श्री जे के प्रधान ने कार्यक्रम का संचालन किया। राउरकेला स्टील प्लांट RSP की CSR पहल के तहत पार्श्व अंचल ग्रामों एवं पुनर्वास कॉलोनियों के पेशेवर पाठ्यक्रम में बढ़ने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। पार्श्व अंचल विकास संस्थान में 12 अप्रैल को एक समारोह आयोजित किया गया। RSP के महाप्रबंधक PNPC श्री सी मथु स्वामी इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर 18 विद्यार्थियों को चेक प्रदान किए। महाप्रबंधक नगर प्रशासन श्री NK सामंतराय सम्मानित अतिथि थे। महाप्रबंधक प्रभारी CSR श्री PM बेहरा, CSR विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी, विद्यार्थियों के माता पिता एवं अभिभावक इस अवसर पर उपस्थित थे। विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए श्री मुथु स्वामी ने RSP द्वारा बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना वित्तीय सहायता प्रदान करने के उदार भाव की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे नए विचारों जानकारी हासिल करें और सफल उद्यमी बनाने के लिए उस पर कार्य करें। इस अवसर पर श्री सामंतराय ने अपने वक्तव्य में विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने तथा माता पिता के सपनों को साकार करें। वर्ष 2013-14 बैच के एक विद्यार्थियों को BTech एवं MTech दोहरी डिग्री के लिए, वर्ष 2014-15 बैच के 5 विद्यार्थियों को और 2015-16 बैच के 12 विद्यार्थियों को 5.40 लाख रुपए के 21 चेक प्रदान किए गए। प्रारंभ में श्री बेहरा ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया, जबकि वरिष्ठ प्रबंधक CSR एवं परियोजना संयोजक श्रीमती आनंदिता महापात्र ने समारोह का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत सुंदरगढ़ जिले के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, कृषि एवं प्रबंधन शिक्षा जैसे विषयों पर पेशावर शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2006-07 में प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम से अब तक 106 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। चयन किए गए विद्यार्थियों को उनके वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर हर वर्ष किश्तों में छात्रवृत्ति की राशि दी जाती है। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।